हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त हनुमान। बच्चों, आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो घर में बदमाशी करते हैं। तो आज की इस कहानी को मिस ना करें, इसका एंड मिस ना करें और उसके मॉरल को तो जरूर देख के जाएं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही सुंदर जंगल था और जंगल के पास के इलाके में एक किसान अपने कुछ भेड़ों को बांध के रखा था। उन भेड़ों की रक्षा के लिए उसने कुत्ता भी पाला। कुत्ते का नाम था राजू। राजू बड़ा ही ताकतवर और समझदार कुत्ता था। वो उन भेड़ों की रक्षा करता और अगर कोई भेड़ गलती से किसी गलत रास्ते या गलत मार्ग पर चला जाए या रास्ता भटक जाए तो राजू उसे ढूंढ के लेके आके अपने झुंड पे छोड़ देता। भेड़ों और राजू में बहुत ही गहरी दोस्ती हो चुकी थी। सारे भेड़ राजू की बात मानते थे और राजू भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाता। दिन में भेड़ों को जंगल के पास के इलाके में ले जाता, वहाँ उन्हें घास चरवाता और शाम होते ही अपनी जगह पे ला छोड़ देता। लेकिन पास ही के जंगल में कुछ जंगली जानवर थे। भेड़िए, सियार, लोमड़ी, वो सारे उन भेड़ों को खाना चाहते थे, लेकिन राजू के डर से वो उन भेड़ों के पास तक नहीं जा पाते थे। देख रहे हो, वो सफेद वाला मेरा शिकार है। जी चाहता है एक दिन उसे पूरी तरह से चबा जाऊं। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी बड़े दिनों से यही इंतजार में हूँ कि कब कोई बेर मेरे हाथ आए और उन्हें मैं भी कच्चा चबा जाऊं। तभी इन सभी जंगली जानवरों ने मिलकर तरकीब लगाई। उन्होंने वहाँ पे एक लोमड़ी को भेजा उन भेड़ों का दोस्त बनाकर। धीरे धीरे भेड़ उस लोमड़ी की बातों में आ गए और उनके दोस्त बन गए। अब भेड़ों को भी यकीन हो गया कि हो ना हो ये सारे जंगली जानवर और ये लोमड़ी उन्हीं के दोस्त हैं और जंगल के उस पार एक बड़ी दुनिया है जिसे राजू उन्हें डरा धमका कर ना जाने से रोक के रखा है। तभी वहाँ राजू ने उस लोमड़ी को भेड़ों के साथ देख लिया। चले जाओ यहाँ से, क्यों आए हो तुम यहाँ पे, मेरे भेड़ों के आसपास आने की कोशिश मत करना। जॉब करो राजू, ये लोमड़ी मेरा दोस्त है, ये हमारा दोस्त है। हम हमेशा तुम्हारे डर से यहाँ पे जंगल के पार नहीं जा पाते। तुमने हमेशा हमें डरा कर धमका कर रखा है, हमें बांध कर रखा है, हमें भी आजादी चाहिए। तुम इनकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें मार देंगे कि बहुत ही खतरनाक जानवर है। नहीं, ये हमारे दोस्त है, तुमने हमें बांध ये रखा है, हम तुम्हारे डर से जंगल के पार तक नहीं जाते, हम तो बंदिश में आ चुके हैं। राजू ने गुस्से से, प्यार से, हर तरह से उन भेड़ों को समझाने की कोशिश की, पर भेड़ है कि उनकी बात को मान ही नहीं रहे थे। राजू बड़ा ही उदास हुआ और अपने घर की तरफ चल पड़ा। भेड़ों ने मिलकर तरकीब बनाई कि रात को जब राजू सो जाए तब वो सारे जानवर उन्हें लेने आ जाएंगे और रातों रात वो उन जानवर के साथ भाग जाएंगे। रात को जब राजू सो रहा था तब सारे जंगली जानवर भेड़ों के झुंड के पास आए। हमें यहाँ से ले चलो, हम तुम्हें लेने नहीं खाने आए हैं। और ऐसा देखकर सारे जानवर उन भेड़ों पर हमला कर दिए। भेड़ डर के मारे यहाँ वहाँ भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे, मैं बचाओ बचाओ बचाओ। तभी राजू झट से वहाँ आया और उन सारे जंगली जानवर को मार के भगा दिया। हमें माफ कर दो राजू, हम तुम्हें बुरा मानते थे, उस लोमड़ी की बातों में आके हमने तुम पे शक किया और तुम्हारी बातों का निरादर किया। अगर हम तुम्हारी बात मानते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमें माफ कर दो राजू, हमें माफ कर दो। राजू ने उन भेड़ों को माफ कर दिया और राजू हमेशा पहले की तरह उन भेड़ों की रक्षा करता और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता और भेड़ भी राजू के साथ रहकर बहुत ही सेफ रहते थे। तो देखा बच्चों, कैसे ये भेड़ राजू की बात ना मानकर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे, पर शुक्र मानो राजू का कि वो सही समय पे आया और भेड़ों को बचा दिया। बच्चों, यही अक्सर हमारे साथ भी होता है। जब भी हमारे माता पिता किसी बात के लिए मना करते हैं हम उसे रोक टोक या फिर कोई बंदी समझने लग जाते हैं और कुछ दिनों बाद हम अपने माता पिता का ही निरादर कर देते हैं। बच्चों, अगर हमारे माता पिता हमें किसी बात से रोक रहे हैं तो वो हमारी भलाई के लिए ही है। हमारे समाज में इसी तरह के कई सारे जंगली भेड़िए पड़े जो कभी भी हमें नोच खा सकते हैं।
उनसे रक्षा करने के लिए ही हमारे माता पिता हमें बात बात पर मना करते हैं या किसी बात के लिए रोक टोक करते हैं। और बच्चों हमें भी सावधान रहना चाहिए कि हम इस तरह के किसी लोमड़ी के चक्कर में न आ जाए, किसी गलत संगत में ना पड़ जाए जो हमें बुरी शिक्षा दे, हमें हमारे ही परिवार और हमारे घर के खिलाफ भड़काए, हमारे मन में हमारे माता पिता के बारे में दुर्भावना या बुरी बातें भर दे। बच्चों याद रहे, माता पिता का निरादर करना दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, और उस पाप से अगर बचना हो तो बुरी संगत के चक्कर में ना पड़े, अच्छे दोस्त बनाए, अच्छी संगत में रहे। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ आपके अपने इसी चैनल रुत्विश में। देखो और सीखो, तब तक इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय।